सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया। एक लंबे अंतराल के बाद यह रिजल्ट जारी किया गया है। इस बार कुल 18.89 लाख बच्चों ने 10वीं की परीक्षा दी थी। इस बार भी त्रिवेंद्रम रीजन ने बाजी मारी, जबकि पटना रीजन 10वें स्थान पर रहा। अगर झारखंड के नामी स्कूल डीपीएस की बात की जाए तो डीपीएस रांची से भी कुल 337 बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिए थे, जिनमें 53 बच्चों ने 95% अंक से सफलता हासिल की है। वहीं 165 बच्चों ने 90% अंक हासिल किए हैं। इसको लेकर डीपीएस रांची के प्रिंसिपल राम सिंह ने कहा है कि अनन्य मिश्र ने 98.4% मार्क्स लाकर विद्यालय में अव्वल स्थान हासिल किया। इंग्लिश में अगर मार्क्स बच्चों का अधिक आता तो हम और बेहतर कर सकते थे। डीपीएस रांची का रिजल्ट पिछले सालों की तरह इस साल भी बहुत बढ़िया हुआ है और हमारे बच्चे डिस्टिंक्शन और 90% एवब में बहुत से बच्चे निकल के आए हैं। 337 बच्चे डीपीएस रांची से अपीयर हुए थे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और सभी बच्चे हमारे फर्स्ट डिवीज़न और ज़्यादा परसेंटेज में डिस्टिंक्शन और 90% एवब हैं। 22 बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत में जिनको 100 मार्क्स मिला है, 22 बच्चे जो है वो मैथ्स में उनको 100 मिला है, एक बच्चा है सोशल साइंस में उसको 100 मार्क्स मिला है। अभी तक जो जानकारी है ऑलमोस्ट यही है कि चूँकि अनन्य मिश्रा 2 सब्जेक्ट में संस्कृत और मैथ्स में 100 पाया है और उसका 98.4% है जो हमारा टॉपर है। दूसरा टॉपर है शिवरतन जिसका कि 98.2% है। थर्ड बच्चा है अविरल सिंह, उसका 98.2% है। अविरल हमारा NTSC स्कॉलर भी है, इसलिए फर्स्ट रैंक जो हुआ अनन्य मिश्रा 98.4%, सेकंड रैंक शिवरतन और अविरल सिंह है 98.2%, थर्ड रैंक जो है वह श्रेष्ठ सिन्हा 97.8%। यह हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर हैं। ओवरऑल रिजल्ट सब में अच्छा हुआ है। चूँकि डीपीएस के बच्चे आप जानते होंगे कि इस बार मैथ्स का 2 कैटेगरी का था, एक सिंपल मैथ्स होता है, एक थोड़ा स्पेशल मैथ्स होती है, तो हमारे जो बच्चे थे वो डिफिकल्ट मैथ्स लेके पढ़े हैं और उनका जो मार्क्स है वो उसमें अच्छा किए हैं। दूसरी ओर टॉपर्स व शिक्षकों का कहना है कि रीडिंग ऑर्स मायने रखता है, मायने रखता है कि आप कम समय में कितना क्वालिटी पढ़ाई करते हैं। प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है और जिन छात्रों ने प्रैक्टिस की वे छात्र सफल हुए। शुरू से ही उसी तरह से पढ़ने में जो शुरू से वो सफल रहा है, हर चीज़ में मेहनत से आगे बढ़ा है और खुद का उसका मेहनत है, हम लोग तो सिर्फ सपोर्ट किए हैं। कुछ विशेष बातें जो ध्यान रखते थे पढ़ाई के दौरान? हाँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सिंसियर अगर उसको कुछ मिला है वर्क तो वो उसको पूरा करके, चाहे वो 10 मिनट में हो 1 घंटा में हो, समय नहीं मायने रखता था लेकिन उसको वो पूरा करके उठता था। कितने घंटे उन्होंने अपना ड्यूरेशन जो पढ़ाई का है बनाया था, टाइम टेबल कैसा था उनका? वो 4 से 5 घंटा तो मिनिमम पढ़ता था, 6 घंटा मतलब स्कूल को छोड़कर। हाँ, स्कूल को छोड़ के। वो काफ़ी कुछ विशेष बातें, वो काफ़ी सिंसियर है बचपन से ही और वो पहले से भी, इसके पहले भी वो 9th और 10th में वो IMO जो है YMO को क्लियर किया हुआ है और एक SMTE का एग्ज़ाम होता है, RMO किया हुआ है, सॉरी RMO में वो क्वालिफाई किया हुआ है 9th और 10th दोनों में। और SMTE एक एग्ज़ाम होता है पूरे DPS का ऑल ओवर इंडिया में, उसमें 6th रैंक भी वो लाया हुआ है, इसलिए शुरू से ही वो फोकस्ड है काफ़ी और भगवान की दया से ठीक है अभी तक। मोबाइल को लेकर अक्सर ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को दूर रखना चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसा समय है कि यह अनिवार्य हो गया है, तो इस विषय पर जी बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो ये इसेंशियल कमोडिटी हो गया है बच्चों को अभी कोरोना काल में, और विद्यार्थी हर एक चीज़ में मतलब उसका फ़ायदा और उसका नुकसान दोनों है। अब विद्यार्थी के ऊपर में है कि वो उस पर उसका फ़ायदा लेता है या उसका मिसयूज़ करता है, मगर अनन्य शुरू से उस चीज़ में काफ़ी ये था, उसका मिसयूज़ उसने हमको नहीं लगता कभी किया है। और अभी भी मोबाइल का ही जमाना है तो उससे भागना उचित नहीं है, मगर उसका गलत उपयोग नहीं करता है वो। बहरहाल हर स्कूल बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करता है ताकि बच्चे कुछ अच्छा कर सके। डीपीएस के प्रिंसिपल ने यह भी कहा कि हम बच्चों को हर फॉर्मेट में बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करते हैं।
शिक्षकों की मेहनत का ही नतीजा है कि बच्चे इतना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। दसवीं की परीक्षा में उत्तीर्ण सभी बच्चों को ओंकार अवामी की तरफ से भी ढेरों शुभकामनाएं। ओंकार अवामी के लिए सहयोगी दीपक के साथ मनीष और विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।